हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम अपने न्यू सीरीज़ के साथ आए हैं। हमारा नया क्या है, मार्केटिंग का। जैसे आपने देखा होगा मेरी प्लेलिस्ट में, पहले जाके देख लीजिए, मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है। वेयर हाउसिंग हमारा चल रहा है, वेयर हाउसिंग का ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि इन्वेंट्री आज पढ़ लेंगे तो हमारा वेयर हाउसिंग चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन, हेंस इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज। द इन्वेंट्रीज नीड नॉट टू व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फर्म एप्रिशिएशन। इफ द इन्वेंट्रीज आर टू बिग, दे बिकम अ स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज। हाउएवर इफ दे आर टू स्मॉल, द फर्म मे अराइज द लूज द स्केल सॉरी देयरफॉर द फर्म मस्ट हैव एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भी अगर कोई भी फर्म चल रहा हो उसमें कोई भी सामान बेचना हो, खरीदना हो, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है, इन्वेंट्रीज वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज हमारे पास बहुत ज़्यादा भी होंगी तो वो स्ट्रेन हो जाएंगी, टाइम टू टाइम ख़राब होने लगेंगी, अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज एक बार में भर लेंगे तो। अगर इन्वेंट्रीज कम होंगी तो वो क्या करेंगी, हमारे बिजनेस स्केल को कम करेगा। जैसे कि हमारी रेपुटेशन, गुडविल कम तो नहीं, गुडविल तो नहीं बोल सकते, रेपुटेशन तो नहीं बोल सकते, जैसे बोलेंगे ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कैसे जाना जाता है, उसकी इन्वेंट्री से ही जाना जाता है कि हाँ उसके पास स्टॉक ज़्यादा है तो वो बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। ठीक है, तो वो स्केल एक हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम इन्वेंट्री रखनी होती है, एक ऑप्टिमम लेवल की इन्वेंट्री हमारे बिजनेस में होनी चाहिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो, फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। रीजन्स वी कीप इन्वेंट्री, अब कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेंट्री की अपने पास रखते हैं। ठीक है, पहला इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, कि अगर हमारे कस्टमर को सर्विस देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कि कस्टमर अगर हमसे कुछ भी डिमांड कर रहा है और हमारे पास वो सामान अवेलेबल नहीं है तो वो एक बैड सर्विस मानी जाती है। ठीक है, अगर हम ही किसी शॉप पे जाते हैं, अगर हमें वहाँ से सामान नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं, अगर हमारा दोबारा कोई फ्रेंड चाहेगा कि हमें वहाँ से कुछ लेना है तो हम बोलेंगे नहीं यार, उसके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, भले हम मंगा लेंगे लेकिन क्या हो, हमारे कस्टमर्स बिगड़ जाते हैं उससे। ठीक है, मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ द सप्लाई चेन, हम खुद का अपना सप्लाई चेन इंडिपेंडेंटली करें। ठीक है, हमें और किसी शॉप या होलसेलर या रिटेलर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये थर्ड पॉइंट कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। सीजनल और साइक्लिकल डिमांड, कोई चीज़ें होती हैं सीजनल होती हैं, डिमांड में होती है, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, ये पूरे 12 महीना हम अपने बिजनेस में नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब इनका सीज़न आता है तब हमें इनको रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप उस टाइम ये स्टॉक मेंटेन रहना ज़रूरी है। ठीक है, हेज अगेंस्ट द फ्यूचर डिमांड प्राइजेस वोलेटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे डिमांड प्राइस, जैसे कि आज मैंने ये पेन खरीदी है, ये पेन आज मुझे 4 रुपये की पड़ी, लेकिन कल को क्या पता प्राइस बढ़ गई, 6 रुपये हो गई, तो मेरे पास कुछ दिन के स्टॉक कम प्राइस में ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इन्वेंट्री प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेंडर्स, जो अलग अलग वेंडर्स होते हैं, सामान बेचने वाले होते हैं, उनसे हम अपने आप को अलग फील करेंगे, हमें हमेशा उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि आपसे कुछ सामान लेके ही हम अपने कस्टमर्स को बेचें। ठीक है, टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइस डिस्काउंट, अगर मेरे पास ज़्यादा इन्वेंट्री रहेगी, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमें 4 ही रुपये की पड़ी थी लेकिन आज इसका प्राइस 6 रुपये है, तो हम अपने कस्टमर्स को इसको कम दाम में भी करके दे सकते हैं। ठीक है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट भी हम दे सकते हैं, अगर हमारे पास कम दाम में भी है तो हम उनको ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इन्वेंट्री से ही, तो हम उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास से बल्क में इन्वेंट्री खरीदेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स, लेबर स्ट्राइक्स, नेचुरल डिजास्टर, सर्च इन डिमांड्स एक्सेट्रा, क्या होते हैं कुछ शॉक्स होते हैं, जैसे कि कुछ कभी कभी नहीं होते, लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए, डिजास्टर्स आ गए, कुछ डिमांड में कम बेसी हो गया, तो इस चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन रहती है अगर हमारे पास इन्वेंट्री मेंटेन रहती है तो। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। अब हमारे पास कुछ इन्वेंट्री की क्या होती है, कैसे इन्वेंट्री बनती है, उसका कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने नीचे डिफाइन किया है। रॉ मटेरियल होता है, परचेज पार्ट्स एंड सप्लाइज, कंपोनेंट, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स, आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब मैंने इसको नीचे समझाया, आप देख लीजिए।
रॉ मटेरियल क्या होते हैं? बेसिक इनपुट्स दैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनको हम फिनिश प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, ठीक है. मान लीजिए इसकी रिफिल थी हमारे पास पेन की, अब हम इस रिफिल से क्या बनाएंगे? पेन बनाएंगे, ठीक है. तो वो रिफिल हमारे लिए क्या होगी? रॉ मटेरियल्स होगी, ठीक है. वर्क इन प्रोग्रेस क्या होते हैं? सेमी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स नीड सम मोर वर्क बिफोर दे बिकम फिनिश गुड्स. सेमी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ठीक है. उसको फिनिश प्रोडक्ट बनने में थोड़ा सा और प्रोसेस की ज़रूरत होती है. फिनिश गुड्स क्या होते हैं? कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स रेडी फॉर सेल. पूरी तरीके से फिनिश्ड है, आप इनको मार्केट में जाके बेच सकते हैं. सप्लाईज क्या होते हैं? ऑफिस एंड प्लांट मटेरियल्स नॉट डायरेक्टली इंटर प्रोडक्शन बट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड डू नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट. सप्लाईज हम ऑफिस या प्लांट मटेरियल्स जो भी जिस चीज़ों से हम प्रोडक्शन करते हैं वो डायरेक्टली तो हमारे सप्लाईज में काम नहीं आते हैं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी नेसेसरी इक्विपमेंट होता है हमारे प्रोडक्शन के लिए और हमारे इन्वेस्ट और इस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. और ये कुछ इन्वेस्टमेंट लेता है तो ही हमें रिटर्न देता है. फंक्शंस क्या होते हैं हमारे इन्वेंट्री के? टू डीकपल और सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी तो हमारे पास जो बहुत प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने देखा ना कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, वो सारे पार्ट्स को क्या हो हम अलग अलग आराम से कर सकेंगे, ठीक है. टू डीकपल द फर्म फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड प्रोवाइड अ स्टॉक ऑफ गुड्स दैट विल प्रोवाइड अ सेलेक्शन फॉर कस्टमर्स. हम क्या करेंगे, कुछ अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती है तो भी हम उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फर्म को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारे कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम जो कस्टमर्स गुड्स मांगेंगे हम उनको दे पाएंगे, ठीक है. टू टेक एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी डिस्काउंट्स, हम अच्छे खासे डिस्काउंट्स में सामान बेच सकते हैं. टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया. चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. देखिए हमारा वेयर हाउसिंग था जिसमें मैंने वेयर हाउसिंग हमारा चैप्टर था, ठीक है. इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाऊंगी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.